अब जी थोड़ा होश में मैं आ गई हूँ, और जो लोग मैसेज करें आप ही, आजकल आपके बाल इतने सिल्की कैसे हैं? मैंने करवा लिया है डार्क शेड हेयर डाई का, लाइट शेड में बाल बहुत भूसा भूसा लगते हैं। डार्केस्ट ब्राउन करवा लिया है, घर के अंदर थोड़े थोड़े ब्लैक की टच देते हैं, ये देखें आपने नोट किया होगा, इसलिए आप लोग को हेल्दी लग रहे हैं, बाकी वैसे ही बाल नहाया हुआ है, कोई स्ट्रेटनिंग नहीं की हुई, और डार्क कलर है ना इसलिए आप लोग को शाइन शाइन नजर आ रही है। यही कलर, यही बाल अगर ब्लॉन्ड में या गोल्डन में कर लेंगे तो यही भूसा बन जाएंगे। चले जी अब हम बनाने लगे हैं फेनिया, और सोच रही हूँ रसमलाई साथ बना लूँ या ट्राइफल बना लूँ, दो चीज़ें बनाते हैं और बस। और बस थोड़ी सी और, अच्छा अभी जो मैं नाश्ता बना रही हूँ उसकी भी रख दो, उसके लिए 5 रुपए उसके भी रख दो ना, छुट्टा नहीं है मेरे पास, जो दोपहर को खाना बनाऊंगी उसके भी, कहा तो ना छुट्टा नहीं है मेरे पास, रात को भी खाना उसका छुट्टा नहीं है मेरे पास, जो पूरा साल मैंने खाना बना के दिया उसके हिसाब से दे दो। थैंक यू, ईद मुबारक, एक दफे सारे निकाल दो ना, ऐसे ना करो। हाँ जी जनाब, नहा धो के तैयार हो गए हैं, अब हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं, और आज मैंने नई ड्रेस पहना, लेकिन ईद वाला नहीं पहना क्योंकि अभी दावत नहीं है, आज किसी ने आना नहीं है, मैंने कहा वो फिर जब सब इकट्ठे होंगे ना तब पहनूंगी। आप लोग बताएं क्या कर रहे हैं, तैयार हो गए? हल्का सा मस्कारा लगा लेते हैं। चलो जी इतना ही बहुत है, चलो जी इतना सा मेकअप था, अब मैं नीचे जा रही हूँ खाने पीने का देखती हूँ।